मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, सब कुछ एक मतलब मेन रोड पे ही है। कॉन्टेक्ट नंबर लिया या फिर बहुत मजा आया आपके साथ, चलो आपके साथ कुछ मैं ज्यादा कॉन्टेक्ट रखना चाहूंगी, ऐसा कुछ नहीं था गाइज। लिटरली नाउ दे आर गोइंग टू मेक द बिगर बिकॉज ही इज द सेकंड बुद्धा इन श्रीलंका। कभी नहीं लाइफ में सोचा था कि मैं ये भी करूंगी। I'm ready for a new day and we have arrived at Anuradhapura. Yes, we actually drove yesterday tuk-tuk and got here. देखो जी, यहाँ पे आने के बाद जो हुआ है ना वो मैं फटाफट आपको बोल के बता देती हूँ ताकि आप थोड़ी फील ले पाए कि अच्छा ऊर्जा का मेंटल फ्रेम क्या था एंड उसको ग्रैंड किया जाए कि वो व्लॉग ही नहीं कर पाई यार कल रात को। ओके, मैं आई यहाँ पे 6:30 आसपास, फिर यहाँ पे चेक इन किया, हॉस्टल बुक की थी, हाँ 300 रुपये का था, तो आई वॉज़ नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, बट जो भी था मैंने यहाँ पे चेक इन किया। लेडी यहाँ की जो थी वो इंग्लिश नहीं बोल रही थी, तो फर्स्ट कम्युनिकेशन गैप। ऊपर आई, मच्छर ही मच्छर, मेरे बेड पे मच्छर, सब जगह इतना गंदा था, इट वॉज़ नॉट नाइस एट ऑल। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्पेशली पैसा कमाने का एक तरीका है, सो व्हाट दे डू इज़ दे मेक इन देयर होम इटसेल्फ, ऊपर का पार्ट जो होता है फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्टल जैसी वाइब रख देते हैं, बंक बेड्स रख देते हैं, और कुछ नहीं मतलब ब्लैंकेट भी नहीं था, नथिंग एट ऑल। रात मतलब हो गई, फिर एक दूसरी लड़की की मैंने बैग देखी थी, सो या फिर वो लड़की आई, थोड़ा टाइम हमने ऐसे ही स्पेंड किया, बातें की, फिर मुझे लगा कि मैंने इतने तक भी कर दिया था कि यार अनुराधापुरा का मुझे एक्सपीरियंस बिगाड़ना नहीं है, सो चलो मैं और कोई जगह का देख लेती हूँ, आई विल जस्ट इमीडिएटली शिफ्ट देयर। आई वॉन्टेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पीस एंड वॉन्टेड सेनिटी अराउंड मी, बट दैट वॉज नॉट हैपनिंग। एंड फिर मैं ऐसे ही वॉशरूम आई थी, अब वॉशरूम भी कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। दो यहाँ पे डबल बेड्स रखे हुए और दो डबल बेड्स के साथ और बंक बेड जो है वो सबका एक ही कॉमन वॉशरूम, सच अ वियर्ड थिंग। मतलब ये ना बस कमाने का एक जरिया है और उल्लू बनाने का काम है। और मुझे ऐसा पता चला यहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने बताया कि उनका लड़का एक्चुअली UK रहता है, उनकी लड़की ऑस्ट्रेलिया रहती है और वो यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो घर खाली है, तो मतलब उनके किड्स ने यहाँ पे ऐसे हॉस्टल वाइब वाला होम स्टे का बना के दे दिया है, जितने लोग आए उतने को वो होस्ट करते हैं। ऑनेस्टली इट वॉज अ बिजार टाइम फॉर मी येस्टरडे नाइट, एंड देन समहाउ फिर हमने थोड़ा नेगोशिएट तो कुछ नहीं किया, ज़्यादा थोड़े दे दिए ऊपर के पैसे और फिर बड़ा वाला रूम ले लिया, एक पूरा डबल बेड एक ब्रिटिश लड़की थी उसने लिया, दूसरा मैंने लिया, AC था इधर, सो वी वर ऑल सॉर्टेड, वी रेस्टेड वेल इनफ। एंड जस्ट इमेजिन वो लड़की को मैं मिली, मैंने नाम तक उसका नहीं पूछा था, दिस इज़ ऑल्सो हाउ पीपल ट्रैवल, नो वी डोंट एक्चुअली पुट आर इन्फॉर्मेशन आउट अ लॉट, सो दैट एक्चुअली हैपन्ड विथ मी एंड आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड टू नो वेर शी इज कमिंग फ्रॉम और वॉट शी डज ऑल, ऑफकोर्स आई आस्क दोज थिंग्स, बट कॉन्टेक्ट नंबर लिया या फिर बहुत मजा आया आपके साथ, चलो आपके साथ कुछ मैं ज्यादा कॉन्टेक्ट रखना चाहूंगी, ऐसा कुछ नहीं था गाइज। लिटरली वी मेट, वी टॉक्ड अबाउट आर कल्चर्स, वी एंड वो लड़की बहुत ही स्वीट थी, आई रियली वाइब्ड अलॉन्ग विथ हर एंड इट वॉज अ वंडरफुल टाइम दैट आई हैड, बट या इट वॉज जस्ट टिल दैट मोमेंट, वी न्यू दैट वी आर सपोज टू स्टे एंड टुगेदर इन अ रूम फॉर जस्ट वन नाइट, देन शी हैज़ अर ओन वे टू कैरी एंड आई हैव माई ओन वे टू कैरी, ऑल दो वी बोथ आर गोइंग इन द साउथ ऑफ श्रीलंका नाव, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं था, कॉन्टेक्ट नंबर नॉट शेयर्ड, इंस्टाग्राम IDs नॉट शेयर्ड, नथिंग, एंड मैंने भी इनिशिएट नहीं किया, उसने भी नहीं किया, वी जस्ट हैड द प्योरेस्ट इंटेंशन ऑफ स्पेंडिंग सम गुड नाइट एंड गिविंग पीस टू ईच अदर। नाउ जस्ट इमेजिन ये कैसा होगा, मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर वेदर शी वुड बी हैप्पी और इवन शी वुड बी फाइन विथ इट, आई थिंक शी वुड हैव बीन फाइन विथ इट, बट मेरा भी तो मेंटल फ्रेम नहीं था, मैं ऐसी सिचुएशन में से यहाँ पे आई थी इन टू अनुराधापुरा एंड इट वॉज a tough time. I also realized that budget traveling as well as solo budget traveling sometimes can make you end up in a very tough situation and you have to just deal with it, you just have to be mentally prepared for it, so yeah wo ek cheez hui, but anyway I think now the trip is going to be even more adventurous and without any further ado let's explore Anuradhapura and then leave for Nuvara Eliya via our tuk-tuk. Hi
Hi guys, so we have arrived at our first destination in Anuradhapura, which goes with the name Jayashree Mahabodhi. And uski history aur uske andar jaane ka to hai, par uske pehle I want to show you this cute little potato that I'm driving in. Yeah, so this is my tuk-tuk and main wahi lekar sab jagah ghoom rahi hu. Since I'm traveling solo, bahut hi kam chance mujhe milta hai ki main andar baithkar fir aapke liye video bhi le paun, but I'm trying, I'm learning. But I want to just give you a tour about my little cute tuk-tuk. I'm so in love with this tuk-tuk. Let me give you a tour and give some information about it now. Okay, so few things that I really loved is the charging port that they have given here. देन यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्टैंड दिया गया है एंड पूरा ट्रेनिंग दिया गया था मुझे फॉर ऑलमोस्ट व्हाट 45 मिनट्स 1 आवर टू लर्न द टुक-टुक एक्चुअली. नाउ आई थिंक आई विल बी डूइंग वेल बिकॉज उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी थी. यहाँ पे मैं मेरा सामान रखती हूँ. देर इज ऑल्सो अ स्पेस एट द बैक वेर आई कैन पुट स्टफ्स एंड या मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है फॉर द मैकेनिक्स एंड एवरीथिंग. इसके अंदर एक जगह होती है, वहाँ पे भी सारे स्पेयर व्हील और वो सारा पार्ट रखा गया है. एंड या इट्स वेल मेंटेन्ड, इट्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लोज टू न्यू. एंड यहाँ से पेट्रोल भरने का होता है, मुझे गियर्स भी आ चुके हैं एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल. आई लव दिस टुक-टुक ऑफ माइन. मुझे बताया गया कि शोल्डर्स कवर कर लो, तो मेरे साथ दुपट्टा था, मैंने वो डाल दिया. अब उसके अलावा दूसरी फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करना चाहूँगी कि मुझे ये जगह बहुत ही पीसफुल और कामिंग लगी. आई एम एक्चुअली विजिटिंग सच अ प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट इज़ इवन मोर स्पेशल राइट नाउ. इतनी शांति शायद इसीलिए है क्योंकि अभी मुझे पता चला कि 2 बजे ओपन होगा अंदर जाने के लिए, जहाँ पे बोधि ट्री का दर्शन करते हैं लोग और पूजा करते हैं उसकी. और हिस्ट्री ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा रिच है. So I just want to share that how the ratio and the proportions of Buddhism and Hinduism are here in Sri Lanka. As per Google, Buddhism yahan pe hai 70.2%. It is the highest. Then comes Hinduism, which is for 12.6%. Then comes Islam, 9.7%, and then the Catholicism, which is for 6.1%. तो इस तरीके से यहाँ का रेशियो है, इससे बहुत ही क्लियर खबर पड़ता है. आई एम गुजराती. सो या इससे आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे हाउ बुद्धिज़्म इज सच अ प्रोमिनेंट थिंग इन श्रीलंका और सब घर घर में लोग फॉलो करते हैं. इवन जो लोग हिंदुइज़्म फॉलो करते होंगे ना, उनके यहाँ पे बुद्धिज़्म फॉलो होता होगा. देर आर हाई चांसेस लाइक दैट. तो हम आ पहुँचे हैं मिहिंताले. मैंने पास ले लिया है 1000 श्रीलंकन रुपीज़ मैंने दिए इसके लिए. और यहाँ पे हम थोड़े यहाँ पे जो रिमेन्स है उसके वो सारे देखने वाले हैं. और एक्चुअली कहा जाता है कि यहाँ पे सनराइज़ या फिर सनसेट के लिए आना चाहिए बिकॉज यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू मिलता है. बट फॉर नाव मेरा कंस्टेंट है कुछ अलग. आई हैव चोजन टू कम राइट नाव. दोपहर के 3:30 हो रहे हैं. सो या आई हैव कम द वे आई कुड, बट यू गाइज मेक श्योर दैट हो पाए तो वही तरीके से आना, सुबह से या फिर सुबह से नहीं मतलब सुबह को आना या फिर शाम को आना. फॉर नाउ लेट्स जस्ट एक्सप्लोर मिहिंताले एंड नो अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस. दिस टेम्पल वी कॉल मिहिंताले. मिहिंताले इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन श्रीलंका. बुद्धिज्म इज स्टार्टिंग, बुद्धिज्म इंट्रोड्यूसिंग इन हियर
3rd century BC, before Christ. That meaning 2331 years ago, one of Buddhist monk from India, his name Arahat Mahinda, he bring to the Buddhism to our country. Over there you can see the one in rebuilt stupa in up there, that painted. That is the very important Sri Lanka also from the Buddhist people. Inside have ashes of the Arahat Mahinda. Now they are going to make the bigger because he is the second Buddha in Sri Lanka, because he brought to the Buddhism to our country. Sri Lanka, we have three important relics: tooth relic in Kandy temple, right collarbone in Anuradhapura temple, forehead. Here was one of curly hair of the Buddha, we say Urna Roma Dhatu, that inside the big white stupa, that one 2000 years old. अब मेरे साथ रहकर ट्रैवल फ्रेंडली हो चुका है. हाय गाइस, वेलकम अगेन. काफ़ी अपडेट नहीं दी ऐसा मुझे लगा, सो सोचा ना लेट मी डू माय बिट. हम अभी रुके एक जगह पे, विच इज़ मिलानो कैफेटेरिया, माताले करके जगह है, वहाँ पे हम पहुँचे अभी. एंड वी आर कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग लो की. आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट बहुत ही ज़्यादा, बस ऐसा अंदर से प्राउड फील कर रही हूँ दैट वाओ यार मैं कर रही हूँ ये चीज़, बिकॉज कभी नहीं लाइफ में सोचा था कि मैं ये भी करूँगी. सो आई थिंक नाउ आई हैव सो मैनी थिंग्स टू टेल टू माई किड्स के अच्छा बेटा मैंने ये भी किया था. एंड या आई एम ड्राइविंग वेरी सेफली. पापा जैसे मुझे हमेशा कहते हैं वो तरीके से सब कुछ मैं ध्यान रख के कर रही हूँ. सो इट्स गोइंग गुड. और अभी मैंने सोचा कि दो चीज़ें ऑर्डर की जाए. वेज के अंदर खाली ये दो चीज़ें अवेलेबल थी, सो मैंने अभी वो ऑर्डर की. एंड देन एक छोटा सा ब्रेक लिया है. 11:30 को पहुँचेंगे ऐसा दिखा रहा है. एंड मम्मा ने मेरे लिए थोड़ी हेल्प की है, हॉस्टल बुक कर दी है. बट दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ. नाउ लेट्स जस्ट टेस्ट. इसके अंदर अनियन स्टफिंग है ऐसा मुझे बोला है. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. आई डोंट नो द नेम, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एक्चुअली. अनियन स्टफिंग तो इतना ही है, दूसरा तो सारा ब्रेड है. और दूसरा क्रीम रोल है देसी है, पर जो भी है अभी मैं इससे काम चला रही हूँ. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कॉफ़ी इतनी मीठी होती है, बहुत ही ज़्यादा मीठी है. बट या मे बी दिस इज़ व्हाट इट इज़ ओवर हियर. कैफीन रश का तो मालूम नहीं, बट 100% मुझे आज शुगर रश होने वाला है. बिकॉज एक तीखा था कुछ, पता नहीं नाम, मैं संभल करके कुछ था. बट ये भी क्रीम बन भी मीठा है, ये भी मीठा है. बज रहे अभी 8:54 एंड अभी भी 2 hours 51 minutes बाकी है काटने मुझे. 12 बजे पहले पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा. थोड़ी चीज़ें बताती हूँ कि क्या मैंने फर्स्ट डे ऑफ ड्राइविंग वाया टुक टुक लर्न कर लिया अभी से ही. मतलब लेसन लर्न ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, लास्ट टाइम डन दिस. कल से ऑन ट्रैक इन डिसिप्लिन. मैं जहाँ पे रुकी थी वहाँ पे मुझे AC मिल गया. जो लास्ट मेरा स्टे था अनुराधापुरा में, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा कम्फर्ट जोन मिल गया. सो आई स्लेप्ट, ओवरस्लेप्ट एक्चुअली. एंड देन पूरी चीज़ें लेट शुरू हुई. मैंने 12 बजे तो मेरा दिन शुरू किया था एंड इट क्वायट टुक अ बिग टोल ऑन मी. ये करना ही नहीं था. मैंने डिसाइड किया था कि मैं ड्राइव करूँगी तब एक भी दिन मैं रात को नहीं ड्राइव करूँगी. एंड आई वुड जस्ट प्रेफर नॉट टू डू इट लाइक एनी वन एल्स वुड लाइक टू डू राइट. तो मैंने वही डिसाइड किया था. बट ऊर्जा बिंग ऊर्जा वो नहीं हुआ. एंड सो या हमेशा बी प्रिपेयर्ड टू लीव अर्ली. सुबह को जितना हो पाए, जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो जल्दी फटाफट करो सारी चीज़ें. एंड श्रीलंका के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ कि मुझे क्या भी फीलिंग आ रही है, कैसे रास्ते है. सो इट्स वेरी हिली. सो मेरे लिए तो माउंट आबू जैसा ही लग रहा है मुझे, कि अहमदाबाद से जब हम जाते हैं हमारे लिए तो नेक्स्ट सेकेंड प्लेस ही है उदयपुर एंड माउंट आबू.
सो माउंट आबू जैसी फीलिंग आ रही है, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, अब हिली एरिया ज़्यादा शुरू हुआ है, माँ ताले करके जहाँ पे ये जगह है जहाँ पे मैं रुकी हूँ, इट्स अ स्मॉल बट एटलीस्ट अ डेवलप्ड सिटी। सो यहाँ पे मुझे सारी मतलब फैसिलिटी मिल रही है, सब दिख रहा है, क्योंकि सुपर मार्केट है सामने, विच आई विल बी ऑफकोर्स गोइंग बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग टू मंच आफ्टरवर्ड्स। एंड यहाँ पे खाना भी थोड़ा मिल गया, सीधा साधा साधारण गिन लो। सो या और यहाँ पे बहुत सारी मुझे मुस्लिम कम्युनिटी दिखी इन माताले आई थिंक, फिर हाँ एक तमिल हिंदू टेम्पल भी मुझे दिखा। सो इट्स लाइक यू नो रास्ते के बीच में उन्होंने सारा बनाया हुआ है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, सब कुछ एक मतलब मेन रोड पे ही है। बहुत ही अलग चीज़ है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से उसका अलग जाओ गली में जाओ, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। सीधा आजू बाजू शॉप्स है और उसके बीच में मंदिर है, उसका एंट्रेंस है, दैट्स समथिंग यूनिक दैट आई फाउंड हियर। एंड अदरवाइज पेट्रोल, ओ माई गॉड, आई हैव टू मैंशन यू गाइज, पेट्रोल का अभी मैंने इंडियन रुपीज़ में एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, बट आई एम श्योर मैंने 1000 या 1200 रुपये का, तो अभी से मैंने एक ही दिन में इतना खर्चा हो गया मेरा, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पेट्रोल इज़ अ ह्यूज कंसर्न ओवर हियर। मुझे तो रेंट मैंने जो किया उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि भाई मेरा पेट्रोल का खर्चा ना हो जाए। ऑफकोर्स आई एम इन कोलेब्रेशन विद डियरेस्ट tuktukrentals.com, सो उसकी वजह से मुझे थोड़ा कंसेशन मिला है, डजेंट मीन दैट पूरा मुझे कुछ ऐसे ही मिल चुका है, राइट, आई हैव पेड फॉर इट, बट कंपेरेटिवली एट अ चीपर प्राइस। ऑफकोर्स जो भी है उसके लिए मैं अलग वीडियो में आपको शेयर सारी चीज़ें करूँगी, फॉर नाउ दिस इज़ वॉट आई रियलाइज दैट पेट्रोल का बहुत ही प्राइस है यहाँ पे, इट्स रियली नॉट डेवलप्ड, द सिटी इज़ ऑल्सो नॉट डेवलप्ड इनफ अराउंड, इवन द विलेज इज यू फाइंड नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, पॉपुलेशन तो है ही नहीं, मुझे लग रहा है खाली ही है, श्रीलंका खाली है लिटरली। कितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस अभी लास्ट ईयर में हुआ, वो पूरा सिनेरियो, उसके बाद तो मुझे लग रहा है ज़्यादा लोग छोड़ के चले ही गए श्रीलंका, क्योंकि मैं मुझे लोग ही नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। अच्छा तो आप रेकमेंड करोगे कि मैं सीधा ना जाऊँ अभी? अभी उधर होटल है ना, ओके कैंटीन में, ओके उधर आज रात को वापस स्टे करके पीछे वापस, वो अच्छा है, सिर्फ आप अकेला है ना? ओके ठीक है, चलो तो आप क्या, रास्ता तो बहुत तकलीफ है उस साइड पे, तकलीफ मतलब रास्ता अच्छा, रास्ता भी अच्छा नहीं है, रास्ता अच्छा नहीं है, रात को है ना लाइट नहीं है, वो फॉरेस्ट एरिया है। अच्छा अच्छा फॉरेस्ट एरिया है सर, ओके मिडिल में फॉरेस्ट है, बाद में सिटी ऐसा मिल गया, ओके नहीं तो ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, तो फिर मैं कैंडी में कैंडी में वो अच्छा रहेगा। चलो थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता वेदर आपको सुनाई दिया कि नहीं, बट यहाँ पे जो कैफेटेरिया में मैं रुकी वहाँ पे जो भैया थे उन्होंने हिंदी में मेरे साथ बात की और उन्होंने मुझे बताया दैट इट्स बेटर दैट आई डोंट गो टू नुवारा एलिया राइट नाउ, रादर आई हैव माई स्टे एट कैंडी, और कैंडी यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, तो उनके सजेशन मुताबिक ऑफकोर्स मुझे चलना है, और मैं कैंडी के अंदर ऑफकोर्स आई हैव माई फ्रेंड ओवर देयर मनोज नाव, सो आई जस्ट कॉन्टैक्ट हिम, हो पाए तो हॉस्टल में अगर जगह होगी तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी, और फिर कल सुबह से आगे बढ़ते हैं नुवारा एलिया के लिए। नुवारा एलिया में एक्चुअली में मैंने बुकिंग भी कर लिया है हॉस्टल का, और उसके लिए मैंने स्पेशली मम्मा को दिया था काम करने के लिए, अब मम्मी का तो सुनना ही पड़ेगा मुझे डांट, बट ठीक है चलो अभी के लिए फटाफट पहुँच जाते हैं कैंडी। सो देर इज़ अ चेंज इन प्लान एंड दैट इज़ वॉट वी आर ऑलवेज ओपन टू एंड इट मेक्स सेंस, सो वी विल फॉलो इट। हाय मनोज, हेलो, हाय मनोज, ऊर्जा दिस साइड, हाय, सो नाउ आई वाज सपोज टू बी राइट नाउ इन नुवारा एलिया बट आई हैव रीच्ड माताले राइट नाउ एंड या एज पर अनदर लोकल ओवर हियर ही टोल्ड दैट इट इज बेटर दैट आई हैव माय स्टे इन कैंडी, सो आई इमीडिएटली कॉल्ड यू राइट नाउ, सो इज देयर एनी स्पेस अवेलेबल इन द हॉस्टल? यस यस It is? You just go, there is two girls, Russian and okay. Serbian, two girls, so they will manage that. Okay. There is a one bed, one upper bed. Okay, perfect. Then I am just reaching from Matale, first of all, to Kandy. Okay. Update them, then your bed will be ready there. Okay, perfect. See ya, bye. Thank you. Okay, bye-bye. Back to the hostel where we all started the journey.